किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया। कुछ दिनों के बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल उगे, जैसे कि सभी पेड़ों पर समय के साथ उगते हैं। एक दिन उस पेड़ से एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते ही देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। वह वहीं गिर गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उस आदमी ने सोचा, जिसका वो पेड़ था, होगी कोई बात, किसी और कारण से मरा होगा। उस आदमी का ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद उसके पड़ोस का ही एक छोटा बच्चा आता है। वह लड़का बढ़िया फल देखकर उसका उस फल पर मन ललचाया। उस लड़के ने एक फल तोड़ा और जैसे ही उस लड़के ने दांतों से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है, इसके फलों में जहर दौड़ रहा है। उसने जब देखा कि उसके पड़ोस के एक लड़के की मृत्यु हो गई है, यह देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने तभी अपने घर से कुल्हाड़ी उठाई और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े ही दिन बाद फिर से वापस फल उग गए और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़े बड़े फल लगे। उस व्यक्ति ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और इस बार फल के साथ साथ एक एक शाखाओं को भी काट डाला और शाखा काट कर उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ दिन बाद सारा पेड़ फिर लहला उठा और फलों से लदा हुआ था। उस आदमी ने सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब वह आखिर क्या करे। उन्हीं दिनों उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए थे। वह व्यक्ति उन भिक्षु के शरण में गया और सारा हाल उन बौद्ध भिक्षु को कह सुनाया। सारा हाल सुनकर उन भिक्षु ने कहा, तुम बड़े ही भोले हो, तुमने फल तोड़े, शाखाएं भी काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी पेड़ जिंदा रहेगा और तब तक फल आते रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि इस बला से तुम्हें छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की काट छाट से वह नहीं मिटती, बल्कि बुराई की जड़ काटनी चाहिए। उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को पूरी तरह से काट दिया और हमेशा के लिए उस चिंता से मुक्त हो गया। ये कहानी भले ही छोटी सी है और बहुत साधारण सी है, पर यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे सकती है अगर आप इसे समझते हैं। हम अपनी बुरी आदतों से हमेशा बहुत परेशान होते हैं, जगह जगह उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आज भी न जाने कितने तरह की वीडियो आप देखते हैं, हर तरह के समाधान के पीछे भागते हैं, पर हम एक साधारण सी चीज को मिस कर देते हैं और उसी वजह से हम न जाने कितने दर दर भटकते हैं। आप सभी को ये तो बहुत साधारण सा पता है कि अगर पेड़ की जड़ नहीं काटोगे तो वो तो वापस उगाएगा। ये आपको पता है, सभी को पता है, लेकिन यही काम आप अपनी वृत्ति पर नहीं लागू करते। आपको पता है कि आपके अंदर जब वासना उठती है उसका कारण पूरे दिन सोशल मीडिया पर बिताने से हो रहा है, तो आप ये नहीं देखते कि इस वासना की जड़ कहाँ थी। आप कोई और तरीका इस्तेमाल करते हो जिससे आपकी वासना खत्म हो जाए। आप ध्यान करने लग जाते हो, आप कुछ बुक्स पढ़ने लग जाते हो, लेकिन सोशल मीडिया छोड़ना नहीं बंद करते। आप उस पेड़ की काट छाट तो करते हो, आप सोचते हो कि पेड़ के फलों को काट कर पेड़ पर कभी फल नहीं आएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि पेड़ पर फल उनकी शाखाओं से नहीं उसकी जड़ से आ रहे हैं। आप आज तक भी अपनी हर बुरी आदत में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम उसकी जड़ को नहीं देखते। बहुत से भाई मुझसे कहते हैं, पवन भाई मैं शराब पीता हूँ, गुटखा बीड़ी वगैरह वगैरह इनमें मैं लिप्त हूँ, आदत छुड़ाना चाहता हूँ। आदत छुड़ाने का सबसे साधारण सा तरीका है कि उसकी जड़ को देखो। आप सभी को पता है कि आपको बीड़ी पीने की भी हुड़क, जिसे कहते हैं देसी भाषा में ललक, जो उठती है वो एक माहौल में ही उठती है ज्यादातर। आपको भी पता होगा, आप जब चार दोस्तों में बैठते हो तो अपने आप हाथ जेब में चला जाता है कि अब सिगरेट निकालनी है। अगर चार यार बैठे हैं तो आपके मन को भी पता है कि अब दारू का इंतजाम करवाना है, बातें शुरू की जाए। आप दोष उस दारू को देते हो पर उस जड़ को नहीं देते जहां से उसको पानी मिल रहा है, जहां से उसे सारे पोषण तत्व मिल रहे हैं। आप उस जड़ को नहीं देखते। आप छोटी मोटी काट छाट तो कर लेते हो, फिर कहते हो कि हमें सब कुछ देखने के बाद भी हम नहीं बदल पा रहे।
पर असल में आप खुद भी सच जानते हो कि पूरे तरीके से हमने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। हम एक साधारण सी चीज को इतनी बड़ी बना देते हैं। अगर इस साधारण सी चीज को समझ लें कि पेड़ की टहनियों पे काट छाट करने से पेड़ से फल हटने वाले नहीं है, और इसी चीज को आप अपनी वासना पर लागू कर सकते हैं या अष्टमेधुन कह लीजिए, जो भी आप बोलते हैं, आप हर वृत्ति पर अप्लाई कर सकते हैं। बस इस साधारण सी बात को अगर समझे गहराई से तो ये छोटी सी कहानी आपको यही बताती है कि पेड़ की शाखाओं से या फल को काटने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़े समय के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन फल रुकने वाले नहीं है। हमें जड़ पर काम करना हो। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है तो ये शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और ज्यादा सुनना चाहते हैं तो मैंने एक चैनल खोला हुआ है, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाइए और गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनसे जो भी आप सीख सकते हैं उनसे सीखिए। पर ध्यान रहे, वही इंसान जाए जिसे वाकई में कुछ सीखना है। जिसे नहीं सीखना, जो सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप रहने दीजिए। निरंतर यात्रा में चल सकते हैं तो चल पड़ जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।